दोस्तों, मैं देव त्रिपाठी। आज हम बात करने जा रहे हैं कोरोना वायरस की। जी हाँ दोस्तों, कोरोना वायरस इसमें चाइना में बहुत तेज़ी से फैल रहा है और इसकी वजह से पूरी दुनिया में इसमें एक खौफ का माहौल हो चुका है। पूरी दुनिया में लोग इससे डर रहे हैं कि कोरोना वायरस कहीं उनके देश में उनके घर तक ना पहुँच जाए। इन दिनों दुनिया में कोरोना वायरस से आतंक मचा हुआ है। हर तरफ इस वायरस का खौफ है। ये वायरस सबसे पहले चीन में फैला था। वुहान ही वो जगह है जहां से कोरोना वायरस फैला और इसने अब तक 300 से ज्यादा लोगों की जान ले ली। 10,000 से ज्यादा संक्रमित हैं और वायरस 17 देशों में फैल चुका है। फिलीपींस में एक शख्स की इसी खतरनाक वायरस की वजह से मौत हो गई है। चीन के बाहर इस मामले में ये पहली मौत है। ये मूलतः चीनी वायरस है और पूरी दुनिया में फैल रहा है। भारत में भी अब इसके मामले सामने आ चुके हैं। दरअसल कोरोना वायरस एक ऐसा वायरस है जिसकी जानकारी अब तक विज्ञान में थी ही नहीं। वो चीन में तो कहर ढा रहा है, अब ये वायरस दुनिया के कई दूसरे देशों तक भी पहुंच गया है। बीते साल दिसंबर में ये चीन के वुहान शहर में सबसे पहले डिटेक्ट हुआ था। क्या कोरोना वायरस चीन की ही साजिश? कोरोना को रोकने के लिए दुनिया भर में कोशिशें जारी है, लेकिन इसको लेकर एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है जिसे सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाएंगे। क्योंकि अब तक बताया जा रहा था कि ये वायरस सांप के जरिए फैला है, लेकिन अब कुछ एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि ये वायरस मैन मेड है, यानी इसके पीछे इंसानी खुराफात है। चीन के अलावा दुनिया में इसकी मौजूदगी कहीं नहीं देखी गई और चीन में भी जिस जगह से ये डिटेक्ट हुआ है उसको लेकर कई तरह की बातें सामने आ रही है। दावा किया जा रहा है कि कोरोना वायरस के पीछे कोई और नहीं बल्कि खुद चीन ही है। इस वायरस को चीन ने ही लैब में तैयार किया है और इसके पीछे चीन के शैतानी दिमाग वाले बायो साइंटिस्ट का हाथ है। क्या होते हैं जैविक हथियार? जैविक हथियार पारंपरिक हथियारों की तुलना में ज्यादा खतरनाक होते हैं। जैविक हथियारों के हमले में छोड़े गए खतरनाक वायरस एक ही झटके में एक पूरे इलाके को गंभीर जानलेवा बीमारियों से ग्रसित कर सकते हैं। इससे सामूहिक नरसंहार जैसे परिणाम मिलते हैं। इस दौरान खतरनाक बैक्टीरिया हवा पानी के जरिए लोगों के शरीर में प्रवेश करते हैं और वे जानलेवा बीमारियों के शिकार हो जाते हैं। अपनी सैन्य ताकत बढ़ाने के लिए दुनिया के कई देशों ने अपने यहाँ जैविक हथियारों का निर्माण किया है। एक इजरायली वैज्ञानिक ने दावा किया कि कोरोना वायरस किसी जानवर से नहीं बल्कि चीन के वुहान शहर के लैब में बना है। क्योंकि चीन हथियारों की जगह बायोलॉजिकल हथियार से लड़ना चाहता है, जिसके मुख्य टारगेट अमेरिका, भारत, इजराइल और जापान है। ये वायरस चीन के लैब से लीक हुआ है। इजराइल के खुफिया अधिकारी डेनी शोहेम ने हाल ही में दावा किया कि चीन ने वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी से जानबूझकर एक कोरोना वायरस को लीक किया था। ये एकमात्र संस्थान है जो इस तरह के घातक वायरस से निपटने में सक्षम है और चीन के जैविक हथियार वाले प्रोग्राम से जुड़ा है। हालांकि चीन इन आरोपों को खारिज कर रहा है। क्या चीन बना रहा बायोलॉजिकल हथियार? दावा किया जा रहा है कि चीन बायोलॉजिकल हथियार बनाने में जुटा है। चीन यह हथियार अपनी P4 लैब में बना रहा था, जो कि चीन के वुहान शहर के अंदर ही है। चीन के वैज्ञानिक लैब में कनाडा से लाए गए जैविक पदार्थों से हथियार बनाने में जुटे थे। वैज्ञानिक काफी लंबे समय से इस लैब में काम कर रहे थे। चीन की सरकार बड़ी ही साजिश करके कनाडा से ये जैविक पदार्थ लेकर आई थी, जिनका इस्तेमाल चीन के वैज्ञानिक कर रहे थे। चीन का मिशन था एक ऐसा बायोलॉजिकल हथियार बनाना जिससे वो युद्ध के समय दूसरे किसी देश पर छोड़ सके और वहां की हवा में वायरस घोल दिए जाए, ताकि बड़े पैमाने पर वहां की सेना और लोग इसकी चपेट में आ जाएं। चीन की वैज्ञानिक इस वायरस को एक्टिवेट करने के साथ ही इसका एंटीडोट भी बनाने में जुटे थे, ताकि खुद चीन इससे बचा रहे और इस जैविक हथियार से चीन को खतरा ना हो, यानी इससे डैमेज केवल दुश्मन को ही हो। लेकिन दावा किया जा रहा है कि चीन के वैज्ञानिक इस दौरान बड़ी मात खा गए और टेस्टिंग के दौरान ही ये वायरस वुहान शहर में इसी लैब के जरिए फैल गया, जो देखते ही देखते विकराल रूप धारण कर चुका है। हालांकि इस मामले में पुख्ता सबूत सामने नहीं आ पाए हैं, लेकिन इन दावों को नकारा भी नहीं जा रहा है, क्योंकि चीन से कोई जानकारी बाहर आ पाना बेहद मुश्किल काम है। दूसरी तरफ चीन ने जिन शुरुआती मरीजों को लेकर आंकड़े पेश किए थे,
वो उनको देखते ही शक पैदा होता है क्योंकि उनमें खुद चीन ही फंसता नजर आ रहा है। चीन रिपोर्ट में बताया कि ये सी फूड मार्केट से फैलना शुरू हुआ, जिसमें पहले मरीज का तो उस मार्केट से संबंध था लेकिन बाकी मरीजों का दूर तक कोई लिंक नहीं था। दूसरा, कुछ खुफिया रिपोर्ट बताती है कि राष्ट्रपति शी जिनपिंग खुद इस लैब को मॉनिटर करवा रहे थे, ठीक वैसे ही जैसे कोई बेहद बड़े अंतर्राष्ट्रीय महत्व का काम चल रहा हो। चीन ने हाल ही के सालों में जीन इंजीनियरिंग पर बहुत काम किया है, ह्यूमन क्लोनिंग और जीवों पर अप्राकृतिक जेनेटिक छेड़छाड़ करके नए जीव बनाने पर भी चीन ने बहुत से एक्सपेरिमेंट किए हैं, जिनको लेकर खुद अमेरिका भी दुनिया को चिता चुका है। हालांकि चीन के वैज्ञानिक हथियारों पर एक्सपर्ट्स की मिलीजुली राय सामने आ रही है। शिवसेना ने भी लगाए थे चीन पर आरोप। कोरोना वायरस के वैश्विक संकट के बीच भारत में शिवसेना ने भी चीन पर जैविक हथियारों के उत्पादन का गंभीर आरोप लगाया। शिवसेना ने सवाल किया कि कोरोना जैसे जानलेवा वायरस चीन में ही क्यों पैदा होते हैं। पार्टी ने चीन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि कोरोना वायरस जैसे विषाणु जैविक हथियारों के उत्पादन के प्रयास से उत्पन्न हो रहे हैं। अमेरिका और जापान समेत कई विकसित देश इस नए वायरस का मुकाबला कर रहे हैं। ऐसे में दुनिया भर के देशों को मिलकर ये पता लगाना चाहिए कि इस तरह के जानलेवा वायरस हमेशा चीन में ही कैसे पैदा होते हैं। पार्टी ने दावा किया कि चीन में एक जैविक प्रयोगशाला है जहां कोरोना वायरस पाया गया था। इस प्रयोगशाला में विभिन्न जानवरों पर प्रयोग किए जाते हैं। ऐसे में विश्व समुदाय को ये भी पता लगाना चाहिए कि क्या ऐसे वायरस भविष्य में सामूहिक विनाश के जैविक हथियार बनाने के प्रयासों का परिणाम है। क्या है कोरोना वायरस? चीन के एक वैज्ञानिक ने यह दावा किया है कि कोरोना वायरस सांप और चमगादड़ के जरिए लोगों में फैला है। चीन के वुहान में ऐसे जीव जंतुओं का बाजार है जहां सांप, चमगादड़, मैरमोड्स, पक्षी, खरगोश आदि बिकते हैं। इन जीवों को चीन के लोग खाते हैं। अपने आकार में क्राउन यानी कि कांटों वाला जैसा दिखने के कारण इस वायरस का नाम कोरोना पड़ा है। कोरोना वायरस इंसान के फेफड़ों में घातक संक्रमण करता है। सबसे पहले संक्रमित व्यक्ति के शरीर का तापमान बढ़ जाता है, यानी उसे बुखार आ जाता है। इसके बाद उसे सूखी खांसी होती है। एक सप्ताह बाद उसे सांस लेने में दिक्कत होती है। अब तक मौजूद जानकारी के अनुसार इस खास वायरस की एक बड़ी फैमिली है, जिसमें से केवल 6 वायरस ही इंसान को संक्रमित कर सकते हैं। माना जाता है कि इंसानों में बीमारी फैलाने वाला कोरोना वायरस इस फैमिली का 7वां सदस्य है। इस फैमिली के वायरस के कारण पहले व्यक्ति को सर्दी, जुकाम और खांसी होती है और फिर स्थिति गंभीर होती जाती है।